नल का क्या मामला है? नल का अगर इंसान रहने वाला होता है ना, सब चीज में गुजारा नहीं, नल अगर तू बना, तू मोहल्ले वालों से बना के चलती है, नहीं कौन मना कर रहा है, कोई नहीं मिलेगा। बुलंदशहर में एक पति पत्नी का विवाद सामने आया है, जहां महिला ने घर में बिजली और हैंडपंप ना होने की वजह से ससुराल जाने से मना कर दिया। महिला का कहना था कि जब तक उसके ससुराल में बिजली का कनेक्शन और हैंडपंप नहीं लगेगा, वो ससुराल नहीं जाएगी। बताया जा रहा है महिला के 5 बच्चे हैं, जिनके साथ बिना बिजली और हैंडपंप के रहना महिला के लिए काफी मुश्किल है। महिला ने पति पर आरोप लगाया है कि वो जो भी कमा कर लाता है, उससे घर में हैंडपंप लगवाने की जगह वो उसकी शराब पी लेता है। बहरहाल दोनों के बीच में मामला इतना बढ़ गया कि पति पत्नी का विवाद एसएसपी के पास पहुंच गया, जहां एसएसपी ने विवाद सुलझाने के लिए दोनों को मीडिएशन सेंटर भेज दिया। चार महीने की बच्चे उसे भी छोड़ के चली गई है, नल सात महीने लिया, वो 8 महीने। अरे तो 1 महीने का तो मुकालता भी हो जाए। नल का क्या मामला है? नल का अगर इंसान रहने वाला होता है ना, सब चीज में गुजारा अगर तू बना, तू मोहल्ले वालों से बना के चलती है, कौन मना कर रहा है, कोई नहीं मिलेगा। आदमी को मैं सरकारी नौकर तो हूँ, उधर से राजीनामा करके भेज दिए कि घर में बिगड़ना चाहते थे, नहीं मानती है घर में। नल नहीं है पानी के लिए, सारा साल दूसरे घर से पानी भर के लाती है, मेरे को खुद शर्म आती है, मैं खुद काम में आगे नल लगाऊंगा, ठीक है ना। घर में लाइट का कनेक्शन है, इतनी गर्मी पड़ रही है, 5 बच्चे कैसे रहती है, महीना 4 महीना 6 महीना 3 महीना जो भी आते हैं कमा के लाते हैं, पीते हैं दारू, जो पीते हैं मैं पीता हूँ तो मैं बताता हूँ, पीता हूँ, पीते हो तो पीते हो बताओ, ठीक है। और अभी क्या हुआ था, मारा पीटा, घर से बाहर निकाल दिया, इनका फोन गया किसी लड़के से, फोन से फोन किया, जैसे गैर में चलता है, मैं परेशान हूँ, मैं फोन कर सकता हूँ, इनकी बाजी आ जाए बार बार का, ये ड्रामा है। मैंने इनको घर बुला लिया, मैंने कोर्ट से केस किया, मैं कोर्ट के द्वारा इनको भेजना चाहता हूँ, मेरे से नहीं सहा जाता, मैं अगर खड़ा रहता हूँ दिनों रात, मैं घर की प्रॉब्लम में नहीं खड़ा हो सकता, मैंने शिव कैंट रूम लेके डायरेक्ट में छुट्टी आया, मेरे पास लीव सर्टिफिकेट है, मेरे से नहीं सहा जाता, मेरे खुद माँ बाप में